यह है अजब चाय वाला शो, कैमरामैन मार्टिन के साथ, यह है महंगाई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आज़ाद चायवाला। मेरी एक थॉट थी मेरे जहन में गुजरी है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आपने सुना होगा जी, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, आटे की प्राइस ऊपर जा रही है। मुझे शायद इसकी वजह पता है। इसकी वजह शायद इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा अपने आप को फनेहान बना दिया है कि जी अब एग्रीकल्चर हमारे काम की चीज नहीं रही, अब मैं खेती बाड़ी करूंगा, मेरे पास तो डिग्री है। सो दिस इज अ बैड सोच। अगर आप खेती बाड़ी नहीं करेंगे और अगला खेती बाड़ी नहीं करेगा और साथ वाला नहीं करेगा और दाएं बाएं वाले सब खेती बाड़ी खत्म कर देंगे, व्हाट विल एसेंशियली हैपन? जिनके पास खेती बाड़ी रह गई है वो तो बोलेंगे यार कॉम्पिटिशन ही नहीं रहा, प्राइसेस हर चीज के ऊपर जाएंगी। अगर महंगाई हो रही है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ यू, नई जनरेशन जो खेती बाड़ी को शायद कम समझती है। मैं पर्सनली आई लव खेती बारी, जाती तौर पे भी मैं करता हूं, एंड आई एम अ हैवी इन्वेस्टर इन फार्मिंग, क्योंकि ये पैसा जमीन से उगता है, मिनिमल इन्वेस्टमेंट होती है एंड मैक्सिमम रिटर्न होती है। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, मेरे एक जानने वाले हैं, अभी तकरीबन उन्होंने 65 कनाल्स पे गंदम का बीज लगाया। 3-4-5 महीने लग जाएंगे बिफोर उनकी फसल आती है। जब वो पूरी फसल कट जाएगी उनको तकरीबन अगर अच्छे खासा मुआवजा मिला तो तकरीबन 7-8 लाख रुपए बनेंगे, यानी कि एक स्क्वायर फुट पे उनको 3 रुपए उनको रिटर्न आएगी। 65 कनाल्स में 351,000 स्क्वायर फीट होते हैं एंड एक एक स्क्वायर फुट की अगर आप देखें तो उन्होंने 3 रुपए बनाने एक स्क्वायर फुट पे। अगर उसी जगह पे शायद टमाटर लगे होते तो वो कम से कम 2 करोड़ कमा सकते। यस, एक पौधा जो होता है वो आपको आराम से 500-800 हजार रुपए कमा के दे सकता है, स्पेशली जो नई वैरायटीज हैं। अगर उसी पे उन्होंने फर्ज कीजिए बांस के डंडे लगाए होते और अगर एक पूरे हाल में अगर एक बांस का डंडा 100 रुपए का भी बिकता है तो वहां पे 351,000 पौधे लग सकते हैं एंड दैट वुड बी 100 रुपए का भी अगर वो बेचेंगे ना 350 लाख वो कमा सकते हैं। ओके, पूरे हाल में सोचिए डिफरेंस क्या है। अब वाकई में इज फार्मिंग लुकिंग दैट बैड? अब फार्मिंग वाकई इतनी कोई बुरी चीज है नहीं, थोड़ी अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है। यू हैव टू पुट कैश क्रॉप्स। अगर आप लोग बांस लगा देंगे और दूसरे दरख्त लगा देंगे एंड टमाटर लगा देंगे, हम टमाटर वगैरह बाहर फरोख्त कर लेंगे और हम गंदम इंडिया या ब्रिटानिया या अमेरिका से खरीद लेंगे, वो हमें मुश्किल नहीं है क्योंकि वो लोग माहिर हैं, उनके पास बड़ी बड़ी मशीनरी है, दे कैन डू इट अ लॉट मोर कॉस्ट इफेक्टिव। मेरे जानने वालों को 8 लाख मिलेगा 65 कनाल से, शायद वो 20-30-40 निकाल सकते हैं, देन फिर उन्होंने हमें बेचनी भी है। एनीवे, दिस इज माय थॉट। इफ यू अग्री कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फैलाइए। इफ यू डोंट अग्री तो फिर चुप करके बैठ जाइए। ओके, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। अस्सलाम वालेकुम।